बास टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं राज संधु लेके हाजिर हाँ अज दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही 21 परमवीर चक्कर जेतुआ के नाम उत्ते 21 सब तो वड्डे बेनाम टापुआ नूं नाम दिता। इस मौके उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां इस दिन नूं आजादी के अमृत के एक महत्वपूर्ण अध्याय वजों याद रखणगियां। ये टापू साडियां आने वाली पीढ़ियां लई सदीवी प्रेरणा स्रोत होणगे। मैं सारिआं नूं इस लई वधाई दिंदा हां। अपनी हफ्ताबारी प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदिआं इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुखचैन सिंह गिल ने दस्सिआ कि पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एक्ट तहत 173 फस्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्टां दर्ज कीतीआं हन, जिन्हां विच 18 व्यापारक भी शामिल हन। पिछले हफ्ते सूबे भर में एक्टिव केसों की गिनती 241 हो गई है। नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। IGP गिल ने दसाया कि पुलिस ने 5 किलो हैरोइन, 4.90 किलो अफीम, 5.92 क्वेंटल भुक्की, 1.95 लाख गोलियां भी बरामद कीतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को रजिस्ट्रार के सामने हिजाब नाल जुड़े मामले का जिक्र करने लई कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिता है कि वह इस मामले विच जल्दी ही एक तारीख देवेगी अते मामले की सुनवाई 3 जजा की बैंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजा की बैंच ने इस तो पहला कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्मों नूं चुनौती देने वाली वख-वख पटीशनों उत्ते वखरा फैसला दिता है, जिसने विद्यक संस्थावां विच हिजाब उत्ते पाबंदी नूं बरकरार रख्या सी। वकील ने कर्नाटक विच विद्यक संस्थावां विच हिजाब नाल संबंधित मुद्दे उत्ते तुरंत सुनवाई की मांग की है। बंदी सिंघां दी रिहाई लई श्रोमणी कमेटी वल्लों लोक लहर सिरजण दे मद्देनज़र शुरू की गई दस्तखती मुहिम नूं होर तेज़ करदिआं हुण प्रचारक जत्थिआं राहीं इस नूं पिंड पद्धर तक लिजाया जा रहा है। श्रोमणी कमेटी के जनरल सकत्तर भाई गुरचरण सिंह गरेवाल ने दस्सिआ कि बंदी सिंघां दी रिहाई लई श्रोमणी कमेटी भावें अरसे तो वख-वख तरीकिआं राहीं अपनी आवाज़ उठाउंदी आ रही है, परंतु हुण इस नूं लोक लहर सिरजण दे मनोरथ नाल दस्तखती मुहिम तहत अगे वधाया जा रहा है। इसे तहत ही दस्तखती मुहिम शुरू की गई सी, जिस तहत हुण तक 10 लाख तो वध परफार्मे भरे जा चुके हैं। उन्हां कहा है कि परफार्मे भराउण दा कार्ज मुकम्मल करन उपरंत श्रोमणी कमेटी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के निर्देशों तहत समा निर्धारित करके भारत के राष्ट्रपति के नाम एक पत्र समेत परफार्मे पंजाब के राजपाल नूं सौंपे जाणगे। उन्हां संगत नूं अपील की कि बंदी सिंघां दी रिहाई लई दस्तखती मुहिम दे कौमी कार्ज विच वध चढ़ के सहयोगी बणन, तां जो सरकारां तक सिख बंदियां नाल कीते जा रहे वितकरे विरुद्ध आवाज़ पहुँचाई जा सके। पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा अते सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सेहतमंद पंजाब उत्ते जोर दिता। हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि जे लोग तंदुरुस्त होणगे तां ही रंगला पंजाब बनाउण दा सुपना साकार होवेगा। उन्होंने दस्सिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार की तंदुरुस्त पंजाब मुहिम तहत 26 जनवरी नूं 400 मुहल्ला क्लीनिक लोगों के हवाले किए जाएंगे, 27 जनवरी नूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अमृतसर विच इस दा उद्घाटन करनगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रधान ब्रिज मोहन शरण सिंह वल्लों महिला पहलवाना का शोषण करन दे मामले की जांच 5 मैंबरी कमेटी करेगी, जिसकी अगवाई साबका उग्गी मुक्केबाज खिडारन मैरी कॉम करेगी। यह कमेटी भारतीय कुश्ती महासंघ दीआं रोजाना दीआं गतिविधियां की भी निगरानी करेगी अते सरकार नूं अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी का ऐलान खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि कमेटी जिनसी शोषण अते होर दोषां दी जांच लई सारियां धिरां नाल गल्लबात मगरों 1 महीने दे अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि कुश्ती फैडरेशन प्रधान नूं अजे सेवावां निभाउण तों रोक दिता गया है। महाराष्ट्र के राजपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ऐलान किया है कि वह राजपाल का अहुदा छड्डणगे अते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सारियां राजनीतिक जिम्मेवारियां तों मुक्त होण दी इच्छा दस दित्ती है। दसना बनता है कि वह शिवाजी बारे दिते बयान कारण चर्चा विच सन। इस तो पहला उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं पत्र लिख के मार्गदर्शन भी मंगया सी।
भारतीय जनता पार्टी की दो रोजा कार्यकारिणी की बैठक दौरान अहम मते लिआंदे गए हैं, जिस उत्ते वड्डी चर्चा करके फैसला लिया गया है कि पंजाब कोल किसे नूं भी देण लई पाणी नहीं है अते पंजाब दा पाणी किसे नूं नहीं दिता जाएगा। कार्यकारिणी की बैठक दौरान पत्रकारां नाल गलबात करते हुए भाजपा के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा है कि मते विच पंजाब की कानून व्यवस्था उत्ते भी चिंता प्रगट की गई अते पंजाब नूं नशा मुक्त सूबा बनाउण लई सब नूं नाल लै के चलण दा फैसला किया गया है। लंघी 11 नवंबर नूं राजपुरा विखे पत्रकार वल्लों कीती आत्महत्या दे मामले विच साबका MLA खिलाफ दर्ज होए केस विच माणयोग पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने विधायक कंबोज नूं जमानत दे दित्ती है। माणयोग हाई कोर्ट ने अपने हुक्मां विच स्पष्ट आख्या है कि हरदयाल सिंह कंबोज नूं जमानत दित्ती जांदी है, वह दो हफ्ते विच अपने सहूलत अनुसार इन्वेस्टिगेशन अफसर कोल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनगे। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर नाल जुड़े मनी लांडरिंग मामले विच बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस नूं राहत दित्ती है। अदालत ने जैकलीन नूं अदालत विच निजी पेशी तो छोट दे दित्ती है। दिल्ली दी पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन दी पटीशन उत्ते सुनवाई करदे होए जैकलीन नूं इह राहत दित्ती है। इस दे नाल ही अदालत ने 200 करोड़ रुपए दे मनी लांडरिंग मामले की सुनवाई नूं भी मुलतवी कर दिता है। सो ये सन अज दियां कुछ खास खबरां, कल फिर मिलांगे कुछ होर खबरां दे नाल, तद तक मैनू दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।